नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िला यमुनानगर के जगाधरी से। और आप सभी को बता दें, जगाधरी में जो है किस तरीके की घटना यमुनानगर में दिन प्रतिदिन सामने आने लगी है। गर्मियां जैसी ही आती है वैसी आप सभी को बता दें कि बताया जा रहा है एक बाइक और एक फ़ोन जो है यहाँ से बरामद हुआ है, यमुना नदी के साथ में बरामद हुआ है। बता दें कि किस तरीके से जो है फतेहपुर पुल जो है पड़ता है, फतेहपुर पुल का यमुना नदी पड़ती है, जिसके साथ में जो एक बाइक और एक फ़ोन बरामद होता है, जिसके बाद जो है सूचना घर वालों को दी जाती है और कहीं ना कहीं आनन फानन में जो घर वाले पहुंचते हैं और जिसके बाद जो अनुमान लगाया जाता है कहीं वो व्यक्ति यमुना नदी में ना कूदा हो या छलांग लगाया हो, जिसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन गोताखोरों की मदद से किया जाता है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें, आप सभी से गुजारिश है जरूर कीजिएगा। जी, आप सभी को बता दें कि राजीव गोताखोर की टीम जो है किस तरीके से यमुना नदी में उतर रही है और कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन किया जाएगा, उस व्यक्ति को जो है खंगाला जाएगा, निकालने की पूरा प्रयास किया जाएगा। आप सभी को लाइव तस्वीरें हरियाणा के जिला यमुनानगर से दिखाने का प्रयास करें। सभी को बता दें कि तमाम डायल 112 की टीम और मौके पर जो आप सभी को बता दें एम्बुलेंस और साथ ही साथ लज्जा राम जो है थाना इंचार्ज है बुढ़िया के, वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से जो है गोताखोर राजीव की टीम के द्वारा जो है किस तरीके से जो है सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें। आए दिन यमुनानगर में इस तरीके की घटनाएं जो है सामने आने लगी है। जी हाँ, बता दें यमुनानगर में आए दिन रोज ऐसे मामले आने लगे हैं कि किस तरीके से यमुना में व्यक्ति डूब जाता है, यमुना में व्यक्ति लापता हो जाता है, दोस्तों के साथ खाने पीने आता है, इस तरीके की घटनाएं दिन प्रतिदिन यमुनानगर में आने लगी हैं। आप सभी से गुजारिश है ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए किस तरीके से गोताखोर राजीव की टीम जो है किस तरीके से जो है यहाँ पर उतर चुकी है और सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है शेयर जरूर कीजिएगा। आए दिन यमुनानगर में ऐसे मामले सामने आ लगे हैं। आप सभी को बता दें किस तरीके से दिन प्रतिदिन, आप सभी को बता दें कल रात्रि के समय भी एक खबर चलाई गई थी किस तरीके से जो दादूपुर हेड के पास एक व्यक्ति जो है किस तरीके से लापता हुआ था, उसके बाद जो है सुबह सुबह एक ऐसा मामला सामने आ जाता है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें कि किस तरीके से एक परिवार का एक व्यक्ति चला जाता है हमेशा के लिए, यानी कि उनके घर का चिराग बुझ जाता है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें। बता दें किस तरीके से मौके पर तमाम प्रशासन और तमाम गांव के लोग जो यहां पर मौजूद हैं और दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से सर्च ऑपरेशन किया गया है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें। जो भी इस खबर को देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिएगा। कहीं बता दें किस तरीके से जो पेड़ जो है नदी के अंदर पेड़ गिरा हुआ है, जिसको पेड़ को जो है हटाया जा रहा है यमुना नदी में से, कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति होगा तो यमुना नदी में अगर होगा तो इन पेड़ों में फंसा ना हो, जिसके बाद जो है पेड़ को साइड किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पेड़ के पास आस पास जो फंसा हो अगर तो रेस्क्यू में। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें। फिर से जो आप हैं गोताखोरी के लिए यहाँ पर आए थे। नमस्कार सर, मेरा नाम है राजीव। ये सूचना ये मिली थी कोई बंदा सुबह इधर का ये गुंडा खेड़ी का था लड़का, वो बंदा 45 साल का, वो मोटरसाइकिल खड़ी करके और फोन रख के बता रहे हैं, अभी पता नहीं पक्का डूबा या नहीं डूबा, वो उनका शक के थ्रू पे हमारे से चेक करवा रहे हैं। वो तो क्या कुछ लगता है राजीव डूबा है या नहीं, अभी तक ये पूरा पक्का नहीं पता, कोई उम्मीद नहीं है जी। मेरे हिसाब से तो नहीं डूबा, वो मोबाइल मोबाइल रख के कह रहे हैं डूब चुका, मैं तो नहीं मानता डूबा। तो घर वालों ने और कोई जानकारी दी आपको? नहीं, जानकारी तो क्या देंगे, उनके फैमिली के सारे परिवार खड़ा वहाँ पे, वो कह रहे हैं डूबा। मैंने कहा मेरे को तो उम्मीद लग रही थी। राजीव क्या कुछ कहना चाहेंगे, हर रोज हादसे आ रहे हैं, हम भी खबर करने आते हैं, आप भी जो है गोताखोर की तरह पूरा अपना कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले। देखो जी, अब एक लड़का कल का डूबा वहाँ जा रहे हैं सर्च करने, अब वो से कोशिश जो रात को दादूपुर हेड पर, हाँ जी वो उसकी सर्च करने जा रहे हैं, क्या पता उसकी डेड बॉडी मिल जाए अभी वही जाने लग रहे हैं। तो ये थे मौके पर गोताखोर को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि राजीव गोताखोर की मदद से जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद जो है अभी कुछ भी पता नहीं लग पाया है और कहीं ना कहीं घर वाले भी टकराते हुए नजर आ रहे हैं, बोलने के लिए कैमरे के सामने तैयार नहीं है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें। आप सभी से शेयर जुड़ कीजिएगा, बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।